के बेटे आर्यन खान ड्रग केस में 27 दिनों तक जेल में बंद थे, शनिवार को आर्यन की रिहाई हुई। जहां एक तरफ आर्यन ड्रग मामले में लगातार पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे थे, कुछ नेता आर्यन के खिलाफ थे तो वहीं कुछ नेता नवाब मलिक जैसे लगातार शाहरुख और उनके बेटे का समर्थन कर रहे थे। अब इस बारे में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आर्यन खान की रिहाई पर कहा, जिसके पास पैसा है उसके बेटे की बेल भी हो जाती है, बेल की हियरिंग भी हो जाती है। महाराष्ट्र में दलित और मुसलमानों के खिलाफ ट्रायल्स चल रहे हैं, उसके लिए कौन बोलेगा। मुझे इन दौलतमंदों से कुछ लेना देना नहीं है, दौलत से ही हमको इंसाफ मिलेगा क्या। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले भी आर्यन खान मामले पर अपनी तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। वो इससे पहले भी आर्यन को सपोर्ट करने को लेकर साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं और अब आर्यन की रिहाई भी असदुद्दीन ओवैसी को पच नहीं रही है, इसी के चलते उन्होंने ये तीखी टिप्पणी की है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।